पसीना बहाकर एक एक रुपया जमा करके अपना मकान घर और 2 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन खरीदते हैं और फिर गवर्नमेंट इसके ऊपर बांध बनाएगा तो ये लोग जाएंगे कहाँ? सरकार जो बांध दे रही है गोया के हम लोग जो अंदर रहेंगे उसको वो वाटर बम मार रहा है, मरने का वाटर बम मार के हम लोगों को मारना चाहता है। अच्छा, तो हम लोग आप उनका वाटर बम से नहीं मरेंगे, हम लोगों को एक ही काम है, या तो वो गोली मारे या जेल भरे। ये बार नहीं सक्सेस होगा, नहीं हम लोग बार नहीं देंगे। और बार जब आता है कि इसमें बहुत आदमी का तबाही होगा 2017 में। और ये बहुत अच्छा हाफिज साहब ने बहुत अच्छा बात उठाया कि नदी का दोनों तरफ उसका बोल्डर पिचिंग किया जाए, और नहीं होता उसको आरसीसी दीवार से खड़ा कीजिए। बिल्कुल, क्या बांध से कुछ फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं होगा, हजारों घर बर्बाद होगा, फायदा कहाँ से होगा? नुकसान होगा क्या, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत नुकसान भाई, आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का लंबाई दूर है। देखिए आपको मालूम होगा कि सुपौल, जब सुपौल के अंदर जो नेपाल का आ रहा था गंगा, तो सुपौल का बांध कट गया, गांव का गांव तबाह हो गया, नेस्तो नाबूद हो गया, और आज तक लाखों लोग बेचारे विस्थापित होकर के मर रहे हैं। तो जिस तरह से वो नदी गंडक नदी चल रहा है, उसी तरह हमारा नर्मदा, हमारा ये महानंदा और कोसी नदी चलता है, और ये परवान नदी चलता है। क्या लगता है ये बांध से क्या फायदा है कि घटा है लोगों को? घटा है ये बांध से, तो बहुत ज्यादा ही नुकसान होने वाला है। अगर सरकार की तरफ से ये अगर बांध बांधा जाएगा तो यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, और यहाँ पर बांध के बीच में जितने भी लोग पड़ेंगे सारे के सारे लोग जो है मतलब गरीबी की वजह से जो है परेशान हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि गांव जितने भी पड़ेंगे सब के सब डूब जाएंगे। आखिर ये बांध जो सरकार बना रहे हैं किसके फायदे के लिए बना रहे हैं? लोगों का फायदा कि खुद अपने फायदे? नहीं, गवर्नमेंट नहीं, नहीं गवर्नमेंट किसी का फायदा नहीं है, जनता का कोई फायदा नहीं है। सुनिए, जनता एक मिनट, जनता का कोई फायदा नहीं है, जनता का एक आना इसमें फायदा नहीं। उसकी वजह यह है कि जो जब ये बाढ़ आएगा तो 5 किलो 6 किलोमीटर का ये नहीं 6 किलोमीटर ये चौड़ा बन रहा है। अच्छा। तो पूरा 6 किलोमीटर जब चौड़ा है और लंबा कितना होगा नेपाल बॉर्डर तक है, सुना है, तो अब बताइए इसके दरमियान जो खेत खलियान गांव परो जो पड़ेगा वो तो सब एक साथ तबाह हो जाएगा। 6 किलोमीटर चौड़ाई होगा, चौड़ाई होगा इसका 6 किलोमीटर इसकी चौड़ाई। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो अब इसके बीच में जितने गाँव, आपको मालूम है कि सीमांचल में घनी आबादी है, बेचारे सीमांचल के लोग राजस्थान पंजाब दिल्ली बॉम्बे में सुबह से लेकर शाम तक गरीबी रेखा से गुजर कर नौकरी कर पसीना बहाकर एक एक रुपया जमा करके अपना मकान घर और 2 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन खरीदते हैं और फिर गवर्नमेंट इसके ऊपर बांध बनाएगा तो ये लोग जाएंगे कहाँ? क्या लगता है 6 किलोमीटर के दायरा में गांव बस सकता है कि नहीं बस सकता है? इसमें भी जी भी तो बस नहीं सकता है, मुआवजा भी दे सकते हैं सरकार? नहीं, मुआवजा देगा वो, देखिए मुआवजा से उससे क्या मतलब है? अरे भाई 6 किलोमीटर चौड़ा बनेगा, कितना आदमी इसमें खत्म हो जाएगा, पूरा जमीन खत्म हो जाएगी। अरे सरकार को तो ये सोचना चाहिए भाई, इतना अरब पैसा खर्चा करा बंडाल में आप, इसमें डैम में आप, तो नदी में साला इतना करोड़ लाख खर्चा होगा, आप कई गांव कट रहा है, हजारों गांव कटते रहे, उसमें साला बंडाल नहीं बन रहे आप, और इतना पैसा इसमें फंसा रहे हैं। क्या लगता है सरकार इतना को पैसा सबसे पहले तो ये होनी चाहिए यहाँ एमएलए एमपी बात नहीं होना चाहिए पहले उसका सपोर्ट में है। हाँ, जो किया जाए लोगों की आवाज को आवाज मिला। देखिए हमको हमारे सपोर्ट में है, मैं पूरे सीमांचल के जनता से गुजारिश करता हूँ और हमारे यहाँ के जितने भी एमएलए हैं एमपीज हैं उनसे, पूर्णिया अररिया किशनगंज कटिहार इन एमपीओ से मेरी गुजारिश है, तमाम एमएलए सीमांचल से गुजारिश है कि वो इस पर ध्यान दें, तवज्जो दें, गवर्नमेंट सेंट्रल हो राज्य सरकार हो उस पर वो खूब विरोध के साथ हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ, क्योंकि हम पटना जा नहीं सकते, हम दिल्ली जा नहीं सकते हैं, तो वो हमारी आवाज़ को पहुँचा। और सुना है कि हमारे हाजी अब्दुल सुबहान साहब जो पुराने एमएलए हैं उन्होंने बेचा बहुत कोशिश की है, और लेकिन इस समय कुछ लोग इस तरह से भी हैं जो हमारी जो सपोर्ट करनी चाहिए नेताओं को, उनसे मेरी गुजारिश है सारे लोग सपोर्ट, हाँ सपोर्ट है, अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो जनता आपके साथ रहेगी, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये जनता अगर बिठाना जानती है तो उसको उखाड़ना भी जानती है। कहेंगे साफ तौर पर अभी हाजी अब्दुल सुबहान जी से पूर्व जो विधायक है उनसे बात की, मुखिया जी क्या कुछ बात की संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे? देखिए उससे जो बात की हम पूर्व विधायक जी से, वो कहे कि ये चीज़ तो हम एक साल से हम ये चला रहे हैं
और कुछ आदमी जो पहले से समझ नहीं पाया कि हम धरना जो कर रहे हैं तो बेफजूल का हम कर रहे हैं, लेकिन जब आप जो निशान दे रहा है उसमें जो मार्किंग कर रहा है तो आप सब जनता को समझ में आ रहा कि ये बात सही बोल रहा था विधायक जी, गरीबों का घर उजड़ जाएंगे। तो वो बेचारे का कहना है कि हम डेट बना रहे हैं इसका धरना प्रदर्शन के लिए, हम आप लोग के साथ हैं, हम धरना जहां तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। वो जाने कानूनी कार्रवाई के तौर पे आप लोग क्या किए गांव वाले? अब तक जो हाजी अब्दुल शमान इतना प्रदर्शन कर रहे थे तमाम जगहों में जाकर के अपना चर्चा कर रहे थे, इस विषय में आप लोग चुप क्यों थे? नहीं तजुर्बा नहीं है, मालूम नहीं था, वो दो साल से कह रहे हैं तो वो जो है क्या जब मार्किंग हुआ चौड़ा जो रोड बनेंगे बांध बनेंगे उसमें गांव भी बस सकता है ना? गांव बस सकता है, बस सकता है। ये बांध से तो बहुत ज्यादा ही नुकसान होने वाला है अगर सरकार के तरफ से ये अगर बांध बांधा जाएगा।